पोस्ट मैरिटल अफेयर, एक ऐसा सब्जेक्ट जो सुनने में कुछ अटपटा सा लगता है, कुछ आकर्षित भी करता है और कुछ नटखट सा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में देखा जाए तो इसका अर्थ बहुत ही खतरनाक होता है, इसका अंजाम भी बहुत खतरनाक होता है। अच्छी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो जाती है, लोगों की जो अच्छी खासी घर गृहस्थी है वो उजाड़ देती है। असल जिंदगी में कई लोगों ने इसका सहारा लिया, लेकिन अंजाम बहुत बुरा हुआ। हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ लोगों ने इस रास्ते पर चलने की कोशिश की। आज मैं उन्हीं बॉलीवुड एक्ट्रेस में से एक एक्ट्रेस के बारे में बात करूंगा जिन्होंने पोस्ट मैरिटल अफेयर का सहारा लिया। इस रिश्ते की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी, क्या ये मजबूरी थी या उनकी जरूरत, जो भी हो आज हम इस बारे में बात करेंगे। और वो एक्ट्रेस है पूनम ढिल्लो। हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ अपना लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं हूँ गोविंद और आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर जिसका नाम है बॉली बच्चन। दोस्तों, 80s और 90s में पूनम ढिल्लो एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस रही। उनका सफ़र भी फिल्मों में काफ़ी शानदार रहा। उन्होंने लगभग 80-90 फिल्मों में काम किया और अपने एक्टिंग के लिए काफ़ी मशहूर थी। उनका जन्म 1962 में हुआ था। उनको पहली बार यश चोपड़ा की फिल्म त्रिशूल में काम करने का मौका मिला। हालांकि एक छोटी सी भूमिका थी उनकी, लेकिन पब्लिक ने उन्हें नोटिस किया और वो बहुत जल्दी लोगों की जबान पर चढ़ गई। रमेश तलवार ने जब इन्हें देखा तो रमेश तलवार इन्हें पसंद करने लगे और उन्होंने पूनम ढिल्लो को लेकर नूरी बनाने का प्लान किया। वे यश चोपड़ा के पास गए और उन्होंने कहा कि वे पूनम ढिल्लो को लेकर नूरी बनाना चाहते हैं। यश चोपड़ा को ऐतराज़ नहीं था क्योंकि यश चोपड़ा उनके साथ पहले भी काम कर चुके थे। नूरी बनी, नूरी हिट हुई, से गाने ही बहुत अच्छे थे और रातों रात एक सेंसेशन के रूप में पूनम ढिल्लो लोगों की जुबान पर छा गई। लोग बेताब हो गए इस खूबसूरत अदाकारा को बार बार देखने के लिए। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब नूरी हिट हुई तो उनका नाम यश चोपड़ा के साथ भी जोड़ा जाने लगा। उसके बाद वो रमेश तलवार के संपर्क में आई। रमेश तलवार उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन पूनम ढिल्लो उसे एक दोस्त के रूप में मानती थी। एक बार यूं ही बातचीत के क्रम में पूनम ढिल्लो ने रमेश तलवार से कहा कि वो मुंबई में अपना घर चाहती है। बस क्या था, रमेश तलवार ने एक बंगलो खरीद के उसे दे दिया। ये एक गिफ्ट था, लेकिन पूनम ढिल्लो उसे अपना दोस्त मानती थी और वैसे भी रमेश तलवार शादीशुदा थे। रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चले और रमेश तलवार और पूनम ढिल्लो अलग हो गए। इसके बाद पूनम ढिल्लो की जिंदगी में राज सिप्पी नाम के एक हैंडसम डायरेक्टर आए। राज सिप्पी को पूनम ढिल्लो बहुत चाहती थी, वह उसे बहुत पसंद करती थी। राज सिप्पी भी उसे दिलो जान से चाहते थे, लेकिन राज सिप्पी शादीशुदा थे और पूनम ढिल्लो चाहती थी कि वो उसकी बीवी बने, लेकिन पूनम ढिल्लो किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और जो रिश्ते बन रहे थे वो बनते बनते रुक गए। यहाँ से राज सिप्पी और पूनम ढिल्लो ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। 1987 में जब फिल्म कसम बन रही थी, उसके ठीक पहले पूनम ढिल्लो के पिता की मौत हो गई थी। इससे पूनम ढिल्लो काफ़ी दुखी रहती थी। उनके एक मित्र ने उन्हें होली सेलिब्रेशन में बुलाया। वहाँ पर उनकी मुलाकात अशोक ठाकरिया से हुई। पूनम ढिल्लो वहाँ पर बैठी हुई थी, होली का समारोह चल रहा था, लेकिन वो गुमसुम थी। अपने पिता के शोक में वो डूबी हुई थी और उन्हें ज़बरदस्ती उस सेलिब्रेशन में लाया गया था, ये साफ पता चल रहा था। अशोक ठाकरिया ने रंगों से भरा एक बकेट उन पर उड़ेल दिया और कुछ देर बाद पूनम ढिल्लो और अशोक ठाकरिया आपस में बात करने लगे और उनके बीच एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई, अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई। अशोक ठाकरिया ने उस वक्त फिल्म कसम को प्रोड्यूस किया था, जिनमें अनिल कपूर, पूनम ढिल्लो और प्राण थे। और फिर इन दोनों का मेलजोल का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। फिर इन दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर क्या था, अशोक ठाकरिया और पूनम ढिल्लो दोनों ने शादी कर ली। शादी के 3-4 साल बीतने के बाद पूनम ढिल्लो और अशोक ठाकरिया दो बच्चे के माँ बाप बने, एक लड़की और एक लड़का। इसके बाद यहाँ पर रिश्ते में खटास होनी शुरू हुई। हुआ यूँ कि अशोक ठाकरिया अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए। पूनम ढिल्लो को भी लगा कि शायद वो अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उनके पास ज़्यादा काम है। पूनम ढिल्लो ने शुरू में उतना गौर नहीं किया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि अशोक ठाकरिया का संबंध किसी और के साथ है। ये सुनते ही
पूनम ढिल्लो को काफी धक्का लगा, उन्हें एक सदमा सा लगा। वो अपने पति को रास्ते पर लाना चाह रही थी और तब उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो शायद उन्हें नहीं लेना चाहिए था, लेकिन पूनम ढिल्लो को ऐसा लगा कि शायद उनके इस डिसीजन से अशोक ठगरिया रास्ते पर आ जाए। पूनम ढिल्लो ने एक भारतीय बिजनेसमैन जो विदेश में रहते थे उनके साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई और उनके साथ उनका अफेयर हो गया। ये बात धीरे धीरे अशोक ठगरिया को पता चली। अब घर में कलह होने लगे, झगड़े होने लगे। ये देखते हुए उन दोनों को ऐसा लगा कि अब साथ में रह पाना मुश्किल है और 1998 में इनका तलाक हो गया। पूनम ढिल्लो और अशोक ठगरिया जब अलग हुए तो दोनों बच्चों की कस्टडी पूनम ढिल्लो के पास आई और पूनम ढिल्लो अपने दोनों बच्चों को लेकर अलग हो गए। पूनम ढिल्लो ने अपने आप को फिल्मों में व्यस्त करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास पहले जैसे रोल नहीं आ रहे थे। खैर, कुछ रोल मिलने लगे और उन्होंने फिल्में की। उन्हीं में से एक फिल्म थी जुदाई, जिनमें उनका बहुत थोड़ा सा रोल था। फिल्म में मुख्य अभिनेत्री श्रीदेवी थी। उसके बाद उन्हें बिग बॉस सीजन 3 के लिए चुना गया, जिसके विनर थे विधु दारा सिंह और सेकंड रनर अप में पूनम ढिल्लो थी। अभी हाल ही में उनकी एक फिल्म आई थी और अब वो किसी भी प्रोजेक्ट में या सीरियल में दिखने लगी। तो इस तरह पूनम ढिल्लो के बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं और अब पूनम ढिल्लो अपने बच्चों के साथ खुश है और अपने काम पर अपना ध्यान रखती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी पूनम ढिल्लो की, जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अपने शौक से नहीं किया, आप यूँ कह सकते हैं बदला लेने के लिए किया या अपने पति को सुधारने के लिए किया। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल ही होता है, उसका अंजाम वही होता है जो होता आया है। उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।